A very good morning to all of you. Today we are going to continue our first chapter, political theory. But first of all, let's discuss two definitions of political theory. According to J.G. Plano and R.A. Riggs, political theory is a body of thought that seeks to evaluate, explain, and predict political phenomena. Political process nun evaluate, explain karan de layi ode bare prediction karan de layi, that is the body which predicts all these is known as political theory. According to Andrew Hatchell, political theory is a combination of a disintegrating search for the principles of good state and good society on the other hand, and disintegrated search for knowledge of political and social reality on the other. Political theory ek passe ek state de good principles de utte search kardi hai te dooje passe eh political te social reality de bare vi sanu jankari dindi hai. Now the question arises that what do we study in political theory? It comes under one thing, that you know that we would have seen movements, development and change. Har samay hamari society mein, politics mein, movement hoti rehti hai, development hoti rehti, vikas hota rehta hai, badlav hota rehta hai. And if we go deeper into the matter, we will see that there are certain values and principles that have inspired our people and guided their policies. Kuch ideals jaise democracy, freedom or equality hai. Ye sare ideals hamare constitution mein aaye to aaye kahan se? It has evolved. Separation of power hai. Rule of law hai. American or Indian constitution jede most इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड के मने जाते हैं, इन दे विच मान लो सेपरेशन ऑफ पावर्स आई है, तो ये कितों आई है? दीज हैव कम फ्रॉम वेरियस जेंट्स जिन्हें हम गुरु मानते हैं, वी कॉल देम जेम्स एंड जेंट्स, महान व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति कौटिल्य के टाइम के कौटिल्य हों, अरस्तु से अरिस्टोटल से लेकर जीन जैक्स रूसो हों, कार्ल मार्क्स हों या महात्मा गांधी हों, अंबेडकर हों या प्लेटो हों, इन सभी से हमें ये सारे प्रिंसिपल्स इन्होंने अपने टाइम में अपने गवर्नमेंट के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में हमें बताया, दैट दे आर द गाइडेड policies for today's government. Plato और Aristotle ने अपने discuss अपने students के साथ discuss किया था कि monarchy अच्छी है या फिर democracy better है, which is better. Modern times की बात करें, Rousseau ने पहली बार freedom को fundamental right के रूप में उजागर किया. कार्ल मार्क्स ने ये आर्गुमेंट दी दैट इक्वालिटी वाज एज क्रूशियल एज फ्रीडम, कि व्यक्ति को इक्वालिटी भी मिलनी चाहिए और साइड बाय साइड फ्रीडम भी प्राप्त होनी चाहिए. इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, महात्मा गांधी ही डिस्कस द मीनिंग ऑफ जेन्युइन फ्रीडम, स्वराज, स्वराज, खुद का राज. अपने हिंद स्वराज बुक में उन्होंने जेन्युइन फ्रीडम की बात की. इन हिज बुक हिंद स्वराज ही हैज डिस्कस्ड स्वराज. अंबेडकर ही आर्ग्यूड दैट शेड्यूल कास्ट मस्ट बी कंसिडर्ड अ माइनॉरिटी एंड दे शुड बी गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ. सो ये जो आइडियाज हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आए. हमारे प्रियम्बल में फ्रीडम को स्थान मिला, इक्वालिटी को स्थान मिला. एक चैप्टर राइट्स पर पार्ट थ्री में इंक्लूड हुआ जिसमें अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया हर फॉर्म में.
गांधीयन प्रिंसिपल्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में स्थान मिला. दीज आर ऑल द इफेक्ट्स ऑफ द वेरियस जैन्स, वेरियस गुरुज, वेरियस फिलोसफर्स वी कैन से. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन कम्स दैट वॉट डू वी स्टडी इन पोलिटिकल थ्यूरी. पोलिटिकल थ्यूरी में यू हैव टू डिस्कस फोर वेज इन विच पोलिटिकल थ्यूरी कैन बी यूजफुल टू अस. पोलिटिकल थ्यूरी इट डील्स विद आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स. ये सारे आइडियाज और प्रिंसिपल्स के बारे में हमें बताते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को शेप करते हैं, गवर्नमेंट्स बनाते हैं और सोशल लाइफ को सिस्टमैटिक रूप में चलाने में हमारी मदद करते हैं. कुछ कंसेप्ट्स जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, ऑल पॉलिटिकल थ्योरी इट क्लैरिफाइज द मीनिंग्स ऑफ दीज कंसेप्ट्स. कुछ प्रिंसिपल्स जैसे कि रूल ऑफ लॉ है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, जुडिशियल रिव्यू, दे ऑल्सो गिव्स द सिग्निफिकेंस. इट डिस्कसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स. ओनली दिस कैन बी डन by making, by examining the arguments advanced by different thinkers. अलग अलग thinkers ने, चाहे वो रूसो है, मार्क्स है, गांधी है, ये खुद politicians नहीं बने but they have influenced the generations of politicians everywhere. हमारे आज के भी काफ़ी सारे guiding principles जो हैं, कई concepts हैं, वो इनकी theories से ही हमारे सामने आए हैं. Now this has not come at one instance. This has come by a period of time and they are always in progress. How we not already achieved freedom and democracy? India jada ki free the independent hai, it is always its principles are always work in progress. They are always in progress. Kuch issues jime freedom, equality, democracy, they arise in many aspects of social life and they are in progress in different sectors at different paces. Har ek sthan par aapne ek bar freedom de di, ye nahi ki freedom ka chapter close ho gaya. वो आज तक भी उसकी प्रोग्रेस में चल रहा है. पॉलिटिकल राइट्स दी जा रही हैं लोगों को, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक फील्ड में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको प्रिविलेज दिया गया है सोसाइटी में और बाकी लोगों को दे आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ इवन द बेसिक नेसेसिटीज. सो दिस इज जस्ट इन प्रोग्रेस. कि ऐसा नहीं कि इक्वालिटी आपने प्रदान कर दी तो वो फुल एंड फाइनल हो गया. नहीं, आज तक भी डेमोक्रेसी में फ्रीडम, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, दीज कंसेप्ट्स आर स्टिल इन द प्रोग्रेस एंड फ्रीडम इज स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम. फ्रीडम अभी तक भी लोगों को नहीं प्राप्त हुई है. कई लोग जो ऐसे हैं, दे आर अनेबल टू गो टू स्कूल्स so that they can have decent job. They are being deprived of the basic necessities. Secondly, asi keh sakange that freedom is guaranteed in our constitution, but new interpretations are made. It has to encounter the new interpretations by the all the time. I'll give you an example. Aap chess khelte ho, cricket khelte ho, ऐसे नहीं कि उनके रूल्स जो एक बार बन गए वो फुल एंड फाइनल है, हमेशा के लिए हैं. नो. जबकि बॉल सिक्सर मारती है, आप देखते हैं बाउंड्री लाइन के अंदर चली गई, वो फोर है. बाउंड्री लाइन को टच को करके अंदर को चली गई, तब भी फोर है. बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई, फिर तो अंडरस्टूड ही है सिक्स है. बट ऐसा सोचो कि अगर एक टाइम आकर बॉल बाउंड्री के ऊपर ही आकर बैठ गई तो उस सिचुएशन में क्या होगा. एंड दैट
situation. There should be broader meanings of the games itself. We learn how to interpret the rules. जो rules पहले बनाए गए हैं उनकी नई definitions की ज़रूरत पड़ती है. It is always in the progress. Freedom is still in the progress. पहले games हुआ करते थे 60 overs के cricket का match, फिर 50 का आया, फिर 20 का, और आज तो 10 overs का भी match आ गया है. So means the rules of the games are to be reinterpreted in response to new circumstances. For example, पहले right to life जो है, it has been interpreted by the courts by including right to livelihood. कि अगर बंदे को right to life देना है तो right to livelihood भी दो, क्योंकि livelihood का right होगा तभी तो वह जीवित रह पाएगा. By period of time, right to information has also been guaranteed through one of the act RTI in 2005. Society नू नमे नमे challenges ते नमे नमे interpretations नू face करना पैंदा है. Constitution for this purpose, fundamental rights guaranteed by our constitution, they have been amended and expanded over the time through judicial interpretations. So political theory में हम political theory भी हमें इन सभी interpretation को useful बनाने में political theory भी काफ़ी useful है. इन interpretation को लागू करने में, इनको लाने में, means नई नई definitions, नई नई interpretations day by day जैसे आ रही हैं उनको भी लाने में काफ़ी ज़्यादा role political theory ka hai. The last one, not the least, as the world changes, we may discover new dimensions of freedom as well as new threats to freedom. For example, agar global communication technology mil gayi hai, activist ke liye bahut easy ho gaya hai ki wo tribal culture aur forest ko protect karne mein successful ho gaye hain. But at the same time, it has negative effects also. It has threats to the freedom also. It has also enabled terrorists and criminals to network. Internet commerce जो future में increase होने जा रहा है कि जो हम information online अपने goods और services को buy करने के लिए provide करते हैं वो भी protect होनी चाहिए. जो सिटीजन्स हैं इंटरनेट के, वो हमेशा यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट का कंट्रोल थोड़े से थोड़ा हो, कम से कम हो, सो दैट दे कैन रिकॉग्नाइज दैट दे एक्सेप्ट दैट सम फॉर्म ऑफ रेगुलेशन शुड बी देयर बट नॉट स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. दे वांटेड सम फॉर्म ऑफ रेगुलेशन दैट शुड बी नेसेसरी टू सेफगार्ड इंडिविजुअल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी. सो क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि फ्रीडम कितनी दी जानी चाहिए लोगों को नेट यूज़ करने में. शुड दे बी अलाउड टू सेंड अनसॉलिसिटेड ईमेल्स टू द स्ट्रेंजर्स, ऐसा उनको कितनी परमिशन दी जानी चाहिए. दिस ऑल कम्स अंडर पॉलिटिकल थ्योरी. दीज आर द फोर वेज दैट हाउ मच फ्रीडम शुड बी गिवन to the common people under the government. बेशक उनको जो freedom है वो किसी simple way में, वो किसी limitized way में दी जानी चाहिए. This is all with today's topic. If you have not understood, you can post me, you can ask me in the class. Thank you. Have a safe stay at your houses.